जहाँ तक रोशनी का सवाल है, गवर्नमेंट का ये एक स्कीम रहा है, ऑडियो नहीं आएगा ना, असेंबली और काउंसिल में गवर्नर जी किसी भी अदालत ने इस स्कीम को रद्द नहीं किया जी। मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात कि स्कीम के रहते रहते रोशनी की जमीनें जो है लोगों से छीनने का काम, ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा वो जम्मू के गरीब जो किसान है उन्होंने उनकी अगर जमीनें छीनी गई तो उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है, उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। और हमें लगता है कि हुकूमत को बहुत संजीदगी से दोबारा सोचना चाहिए। जहाँ तक स्टेट लैंड का सवाल है, देखिए आप एक स्कीम के तहत जहाँ जहाँ नाजायज कब्जा स्टेट लैंड का हुआ है, अगर ये आप साबित कर रहे हैं कि नाजायज कब्जा है और आप वो खाली करना चाहते हैं और इसमें आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए, क्योंकि हालात को तो ये दुरुस्त कर नहीं सके। हालात कितने ज्यादा खराब हैं वो रजौरी से पता चला, हालात कितने खराब हैं वो इस बात से पता चल रहा है कि अब बीडीसी को नए नए हथियार दिए जा रहे हैं, लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत के तरफ से नए नए हरबे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टेट लैंड और रोशनी ये इसी चीज में एक और कदम है।